अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भले को मंदे। सभी इंसान उस ईश्वर के नूर से ही जन्मे हैं, इसलिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई आम है और ना कोई खास, सब बराबर हैं। गुरु नानक देव। शास्त्रीय काल, नमस्कार। आज 19 नवंबर है, प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव की जयंती। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, दशमेश गुरु के संतानों को और मेरे पूरे भारतवर्ष को लख लख बधाइयां। वैसे तो मैं मानता हूं कि ईश्वर के बारे में बात करना ही अपने आप में ही झूठ बोलना है। क्यों है मौन में डूबी दुनिया, तेरा किस्सा कौन सुनाए, जो कहे तुझे ना जाने, जो जाने वो कह ना पाए। जो ईश्वर के बारे में जान जाता है वह कुछ कहता नहीं, चुप हो जाता है। संत कबीर ईश्वर को गूंगे का गूर कहते हैं। जैसे कोई इंसान गूर खाके भी ये नहीं बताता है कि स्वाद कैसा है, उसमें मिठास कितनी है, वैसे ही जिसने सचमुच ईश्वर को चख लिया है, सत्य को चख लिया है, वो कभी बोलता नहीं कि ईश्वर है क्या। लेकिन ऋषि सांडिल्य कहते हैं, अगर बोला ही नहीं, इशारा ही नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां कौन सी रास्ता पकड़ के आगे बढ़ेगी। इसीलिए आधा अधूरा ही सही, टूटा फूटा ही सही, बोलना तो चाहिए ही। बस ऋषि सांडिल्य का यही सूत्र पकड़कर आज मैं कुछ बोलना चाहता हूं, गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गलतियां भूल चूक समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं गुरुओं से और उनके शिक्षाओं से प्रेम करता हूं। मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई पंडित नहीं, मैं प्रेमी हूं और प्रेमी को भूल करने का अधिकार है। आज से कोई 500 साल पहले की बात है, अमावस की घनी अंधेरी रात, पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़ कर सोया हुआ है। अगर इस सन्नाटे को कोई चीज रह रह कर चीरती है, वो है किसी के गाने की आवाज। 17-18 वर्ष का एक युवक अपने कमरे में भाव विभोर होकर गाए जा रहा है। हर तरफ घोर अंधेरा है, लेकिन उसके कमरे का दीपक जल रहा है। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी है। अचानक युवक की मां दरवाजे पर दस्तखत देती है, कहती है, सो जा बेटा, रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला है। युवक मां की बात मानकर चुप हो जाता है। सोचता है, मां ठीक ही कह रही है, सोने का ही समय है। तभी कहीं से पपीहे की आवाज सुनाई देती है, पीऊ पीऊ पीऊ। युवक हंस पड़ता है और मां से कहता है, मां, इस पपीहे से मेरी होर लगी है, जब तक ये नहीं चुप हो जाता मैं कैसे चुप हो जाऊं। ये अपने पीऊ को, अपने प्रियतम को पुकार रहा है, मैं अपने प्रियतम को पुकार रहा हूं। इसका प्रियतम फिर भी कहीं आस पास ही होगा, मेरा प्रियतम तो बहुत दूर है। मुझे तो जीवन भर पुकारना होगा, सांस टूटने तक गाना होगा। अमावस की ओ अंधेरी रात तो बीत गई, लेकिन ओ युवक जीवन भर गाता रहा, पूरे प्राणों से गाता रहा, पूरी आत्मा से गाता रहा और गा गा कर परमात्मा को पा लिया। ये युवक आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से जाना गया। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। वे एक दार्शनिक, समाज सुधारक, कवि, गृहस्थ, योगी और दूरदर्शी थे। उन्होंने भारत सहित अन्य देशों की यात्रा करके धार्मिक एकता का उपदेश और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर दुनिया को जीवन का सच्चा मार्ग बताया। नानक छोटी उम्र से ही रूढ़िवादिता
और आडंबर के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत शुरू कर दी थी। ये सब देखकर पिता ने नानक को व्यापार धंधे में लगाना चाहा, लेकिन उनका मन यहां भी नहीं रमा। फिर पिता ने घोड़ों के व्यापार के लिए कुछ पैसे दिए। वे उन पैसों को साधु संतों की सेवा में लगा दिए। कुछ सिख ग्रंथों में जिक्र है कि गुरु नानक देव जी एक नदी में रोज स्नान करने जाते थे। एक दिन स्नान करने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित हो जाएंगे और उनके कष्ट स्वतः ही मिट जाएंगे। इस घटना के बाद गुरु नानक देव जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। उन पर परमात्मा की असीम कृपा थी। वे जात पात और ऊंच नीच के सामाजिक दायरों से कहीं ऊपर थे। उस रूढ़िवादी युग में भी उनके विचार आधुनिक थे। उन्हीं के द्वारा शुरू की गई लंगर की परंपरा आज भी जारी है, जो पूरी तरह से समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये परंपरा समाज में विभाजित वर्गों की खाई को भरती है। गुरु नानक देव जी के एक एक अलौकिक शब्द जिससे आत्मा के तार झंकृत हो उठते हैं। वे अपने उपदेश में कहते हैं, महिलाओं का आदर करना चाहिए, कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। अपने हाथों से मेहनत कीजिए, लालच को त्याग दीजिए, सही साधनों से धन का अर्जन कीजिए। अपनी कमाई का दसवां भाग दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए और अपने समय का दसवां भाग भगवान को याद करने में लगाना चाहिए। चिंता मुक्त होकर कर्म करने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिरस्कार के समान है। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अहंकार कभी नहीं करनी चाहिए। उनका ये उपदेश मानवता और इंसानियत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। धन्यवाद।